बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में यानी कुछ दिन पहले हम लोगों ने शब्द विचार के चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था कि शब्द के जो है काफ़ी सारे प्रकार होते हैं काफ़ी सारे आधार पर, लेकिन हम लोगों ने अर्थों के आधार पर पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द के बारे में भी पढ़ा था। उसी में से दोस्तों मैंने एक टॉपिक को चुना है अनेकार्थक शब्द, जो हम लोगों के परीक्षा में काफ़ी सारे क्वेश्चन के साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ आपके लिए और वीडियो बना के आपको मैं इस चीज का लाभ दूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि अनेकार्थक शब्द आखिरकार होते क्या है। तो दोस्तों अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि दोस्तों शब्द वहां पर वही रहता है लेकिन वो जो अर्थ है वो दूसरा दूसरा देता है। जैसे कि चलिए मैं आपको बता दूं, यहां पर दोस्तों मैंने दो शब्द लिया, उत्तर और दूसरा उत्तर। एक उत्तर का मतलब दोस्तों क्या होता है, जवाब होता है, और दूसरे उत्तर का मतलब क्या होता है, दिशा होता है। तो चलिए इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे हम लोग और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये अनेकार्थक होते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे प्लेलिस्ट को देखिए आप जाकर यूट्यूब पर। और कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना, ठीक है। तो दोस्तों एक उत्तर का मतलब होता है जवाब, दूसरे उत्तर का मतलब होता है दिशा। तो चलिए मैं इसका वाक्य में प्रयोग करता हूँ, तो तुम मेरे बात का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। तो दोस्तों ये देखा कि उत्तर का मतलब हो जाता है यहाँ पर जवाब। अब चलिए दूसरे अगर यहाँ पर शब्द को मैं अगर वाक्य में प्रयोग करूँ तो दिशा, तो मंदिर उत्तर दिशा में है या फिर मंदिर उत्तर दिशा में व्यवस्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा कि जो उत्तर है, एक तो उत्तर का सेंस यहाँ पर जवाब निकल के आ रहा है और एक उत्तर का मतलब यहाँ पर दिशा निकल कर आ रहा है, ठीक है, उत्तर दिशा में है। उसी तरीके से अब दोस्तों दूसरा जो यहाँ पर शब्द है वो है घन, तो घन का भी दो अर्थ यहाँ पे मैंने लिया। एक घन का मतलब होता है दोस्तों बादल और दूसरे घन का मतलब होता है हथौड़ा। तो मैंने पहले वाक्य में क्या लिखा, यह घन घोर जंगल है। तो दोस्तों यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये घोर क्यों लगा, तो दोस्तों ये घोर लगने पर ये दोस्तों एक विशेषण शब्द बन गया, ठीक है। तो विशेषण शब्द बनाने के लिए मैंने यहाँ पर घोर लगा दिया। जैसे अकल, अकल में अगर मंद लगा दूंगा तो वो विशेषण शब्द बन जाएगा। उसी तरीके से तो यहाँ पर देख सकते हैं यह घन घोर जंगल है। उसी तरीके से दूसरे में दोस्तों मैंने क्या प्रयोग किया कि लोहे का घन तप्त लोहे पर पड़ता है। दोस्तों आप कभी भी लोहे के फैक्ट्री में गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे को तप्त कर यानी को लोहे को आग के भट्टी में डालकर उसको लाल करने के बाद उसको हथौड़े से मारा जाता है, काटा जाता है, चिपटा किया जाता है और अपने अनुसार किसी भी वस्तु को बनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लोहे का घन तप्त लोहे पर पड़ता है, ठीक है, और फिर अपने अनुसार किसी भी चीज को बनाया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं यहां पर तीसरे जो शब्द पर, चारा। तो दोस्तों चारा का मतलब एक तो होता है उपाय और दूसरा चारे का मतलब होता है पशुओं का भोजन, ठीक है। चलिए जान लेते हैं, मुझे कुछ चारा नहीं दिख रहा। मान लो मैं किसी परेशानी में हूँ और मैंने टेंशन में आकर क्या कहा कि भाई मुझे तो कुछ चारा नहीं दिख रहा, ठीक है। दूसरे चारे का जो प्रयोग मैंने किया तो उसका मतलब था पशुओं का भोजन। तो चारा बहुत महंगा होते जा रहा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चारे और इस चारे में क्या अंतर है, ठीक है। वाक्य प्रयोग करने के बाद ही हम लोग अंतर की अस्पष्टता को जान सकते हैं, इसीलिए मैंने वाक्य को प्रयोग किया, ठीक है। अब चलिए दर के बारे में जान लें। दोस्तों एक दर का मतलब होता है दरवाज़ा और दूसरे दर का मतलब होता है मूल्य। तो चलिए भगवान के दर से कोई खाली नहीं गया। तो ये जो दर है दोस्तों और ये नीचे वाला दर, एक तो देख लिया भगवान के दर से यानी कि भगवान के पास अगर कोई आया दरवाज़ा पर अगर कोई मन्नत मांगता है तो वो दोस्तों कभी खाली नहीं जाता, ये हमारी आस्था है। उसी तरीके से दूसरा दर यानी कि मूल्य, तो गेहूँ का दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो आप लोगों ने देख लिया कि एक दर का मतलब यहाँ दरवाज़ा हो रहा था और दूसरे दर का मतलब मूल्य यानी कि गेहूं का दर मूल्य जो भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो यहां पर आपने अंदाजा लगा लिया कि यहां पर दोनों, यहाँ पर जो दर और ये दर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। उसी तरीके से दोस्तों धूप, तो दोस्तों एक धूप का तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जिसको सूर्य से हम लोग हासिल करते हैं, सूर्य के ज़रिए से हम लोगों को प्राप्त होती है। लेकिन एक धूप है जो काफ़ी कम ऐसे लोग होंगे जो इस वाले धूप से अवगत होंगे, ठीक है, उसका नाम है हवन सामग्री भी जिसको हम लोग कहते हैं। दोस्तों ये हिंदुत्व में ऐसा होता है कि किसी भी पूजा पाठ करने के पहले या उस मतलब रोज़ अपने दुकान में भी हम लोग इस चीज़ को जलाते हैं और उसमें धुआं सा निकलता है और उसमें एक सुगंधित
सुगंधित एकदम खुशबूदार कोई चीज़ ऐसी निकलती है जो हम लोगों को सूंघने में बहुत पसंद है। ठीक है, तो देखिए धूप का सुगंध मुझे बहुत पसंद है और वाकई में मैं पर्सनली बता रहा हूँ कि मुझे सच में ये जो धूप का जो सुगंध है वो मुझे बहुत पसंद है। उसी तरीके से एक धूप होता है दोस्तों जो हम लोग सूरज से मिलता है, धूप की किरण यानी कि जिसको गाँव देहात में लोग रौदा भी कहते हैं। ठीक है, तो ठंडी में धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कभी ठंडी का मौसम चल रहा है, अभी अगर गर्मा गर्म धूप मिल जाए तो सच में उसमें बैठने में बहुत आनंद मिलता है। और ये तो सबकी कहानी है, सबको धूप में बैठना अच्छा लगता है। क्या आपको अच्छा लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताना। चलो अब मैं आ जाता हूँ नीचे पक्ष की बात करता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर दो पक्ष मैंने लिखा, एक पक्ष का दोस्तों मतलब हो जाता है तरफ तरफदारी करना और दूसरा पक्ष का मतलब हो जाता है पखवाड़ा। तो चलिए इसको वाक्य प्रयोग करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो इस वाले पक्ष यानी कि तरफ और इस वाले पक्ष पखवाड़ा में क्या अंतर है। तो दोस्तों पहला पक्ष जो है वो है बलराम सिंह, राम के पक्ष में नहीं है। मान लो को बलराम सिंह कोई पंचायत के समिति में से कोई एक सदस्य है और उसमें दोस्तों राम जो है एक पक्ष का है और जो बलराम सिंह जो वहाँ के पंचायत समिति के जो एक सदस्य हैं वो राम के पक्ष में नहीं है, उसके तरफ से नहीं है। अब पता नहीं क्यों नहीं है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता कि वो इसके पक्ष में नहीं है। मेरा काम हो गया, मैंने पक्ष को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब चलिए दूसरे पक्ष को जानते हैं, पक्ष यानी कि पखवाड़ा। तो दोस्तों जिस तरीके से 7 दिनों को 1 सप्ताह कहते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसी तरीके से 30 दिनों को 1 महीना कहते हैं, उसी तरीके से हिंदू धर्म में हम लोग 15 दिनों का एक पक्ष होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने क्या इस्तेमाल किया कि 15 दिनों का एक पक्ष होता है। दोस्तों यहां पर पक्ष का मतलब क्या होगा, 15 दिनों का समूह, और यहां पर पक्ष का मतलब क्या हो गया, तरफ, बलराम सिंह राम के पक्ष में नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। काफी छोटी सी वीडियो लेकिन काफी कारगर साबित होगी आपके लिए और मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे प्लेलिस्ट को जाकर देखिए, और कोई भी कमी नजर आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। मैं हर बार की तरह फिर से आपको बता दूं कि अगर उस कमेंट पर मुझे 100 लाइक्स मिल जाते हैं तो मैं उस टॉपिक पर आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाऊंगा। ठीक है, उसी टॉपिक पर, और मैं ऐसे ही रोज आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, तो आप मेरे वीडियो को जरूर से देखें।